जब विधायकको चुनाव हुँदैछ यो किसिमको घटना किन हुँदैछ किन हुँदैछ भन्दाखेरि जब यहाँ बिओएको चेयरपर्सन भएर चाहिँ अनित थापा दार्जिलिङको राजनीतिक माहौल परिवर्तन भएर गयो हिजो अस्ति जिएनएलएफको एकजना क्याडरमाथि एट्याक भयो के नाम अरे उनको तल त्यो पता भाइ पता भाइ टक्कर भाइटकोरमा एट्याक भयो अहिले आज क्यान्डिडेटमाथि नै एट्याक भयो हेर्नुहोस् है यो कुराहरू किन हुँदैछ पहिला किन भएन अहिले किन हुँदैछ यो कुराहरूलाई हामीले केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र लेकिन हमला करने वाला मेन आदमी जो है ये रदीन गुरुंग है इसके हाथ में एक शार्प वेपन था और इसके बैग में कुछ था अगर मेरा सपोर्टर्स वहाँ नहीं होता और टाइमली मैं खुद इंटरवेंट नहीं करता तो आज मैं आपके सामने नहीं रहता वो ही कुड हैव डन एनीथिंग वो कुछ भी कर सकते थे मेरे को तो मैंने आज एक प्राथमिकता दायर किया है और मेरे साथ मेरा लीडरशिप था मेरा साथ सपोर्टर्स था तो भगवान का आशीर्वाद से भी मैं बच के आया हूँ क्योंकि जब मेरा पहले तो ऑल्टरकेशन हुआ जब हम वो एक हैप्पी वैली मोड में थे जब मेरे को खदामाला आदमी लोग दे रहे थे वो अचानक एक बाइक से आया रेड कलर का बाइक है पल्सर NS 200 उसका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेरे पास है और वो आने के बाद क्या हुआ कि वो ये सब नाराबाजी करने लगा मैं जाके क्योंकि लड़की लोग भी बहुत थे लड़की लोग लड़की सपोर्टर्स थे वो गाली गलौज कर रहे थे मुर्दाबाद जिंदाबाद नारा होता है राजनीति में लेकिन जो अपशब्द कह रहे थे तो उसके लिए मैं इंटरव्यू करने खुद गया था मैंने कहा था सपोर्टर्स को आप लोग मत करो क्योंकि आपको जाने से वो कुछ हो जाएगा तो असुविधा होगा तो खुद मैं गया था आपको क्या लगता है किसने देखिए अनित थापा जो है अनित थापा पहले जो MP इलेक्शन हुआ शांतिपूर्ण हुआ था लेकिन अनित थापा जो एक गुंडा लेके एक होटल में कैंप किया है और पैसा का राजनीति जो चल रहा है कोई भी समाज को गिराने के लिए बिगाड़ने के लिए दो तंत्र का इस्तेमाल होता है एक ड्रग का इस्तेमाल होता है जो रशियन पॉलिटी में हुआ था जो अफ्रीकन पॉलिटी में हुआ था किसी कम्युनिटी को दबाने के लिए एक बड़ा कम्युनिटी किसी कम्युनिटी को एलिमिनेट करने के लिए या तो उसका युवक लोग को ड्रग्स दे के वो उसको ख़त्म करता है युवा का आवाज़ ख़त्म करता है दूसरा तरीका है उसको पैसा दे के दार्जिलिंग पहाड़ में ये कशोंग का आदमी आके दार्जिलिंग पहाड़ में इधर का आदमी को बुड़बक समझ के पैसा दे के ये राजनीति कर रहा है और दार्जिलिंग के आदमी को ये बुड़बक समझाए दार्जिलिंग का जनता इसको 19 तारीख को सही जवाब देगा और इसके कारण आने से यहाँ पे राजनीति का स्थिति अभी ख़राब हो रहा है नीरज जी कल जो मोर्चा का जो पार्टी ऑफिस पे आप घुस के जो एलिगेशन लगाए हो आपको एलिगेशन दैट इज सिंपली एलिगेशन आप जाओ आप देखो वहाँ का आदमी को पूछो वो ओपन था और मेरे पास वीडियो क्लिप भी आई हैव द वीडियो क्लिप जो मैं घुसा मैं तो कानून का आदमी हूँ कानून जानता हूँ मास्टर डिग्री मैंने किया है मेरा प्रैक्टिस हाईकोर्ट तक है आई हैव मूव्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आई हैव मूव्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्राइस तो मैं ऐसा इलीगल काम कभी करूंगा मैंने देखा वो खुला था वहाँ पे आदमी था मेरा रिपोर्टर्स है मैं एक एक रिपोर्टर का नाम लेके बता सकता हूँ लेकिन वो मैं नहीं बताऊँगा लेकिन समय आने पर हम वीडियो रिलीज करेंगे और ये मेरे को आज ये कोई लोग एलिगेशन दिया कि हम लोग जो अजय एडवर्ड्स नहीं था वहाँ पर ही वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंट मैंने कहा था कि सिर्फ मैं जाऊँगा मैं अकेला जाऊंगा कोई मेरे साथ नहीं वो वीडियो में भी देखा है कि मैं कोई को लेके वहाँ पे फंसाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बंगाल का वो जो नीति है जो वेंडेटिव पॉलिटिक्स है तो हम वहाँ गए और झंडा लगा दिया झंडा लगाने में क्या है मैक्सिमम होगा मेरे को उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में अगर मैं झंडा लाऊंगा तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में मेरे को एक बेलेबल सेक्शन होगा मैं जुर्माना दे के या कोर्ट में वो कर लूँगा लेकिन देखिए वहाँ पे खुला था चार तो अननोन पीपल वहाँ पे कब्जा करके बैठा था वो वीडियो में वो सिविक पुलिस होने से ड्रेस में होना चाहिए अगर एक सील्ड हुआ प्रॉपर्टी
किसी का प्रॉपर्टी सील होता है तो हम कानून जानते हैं, सील प्रॉपर्टी में कोई किसी को घुसना नहीं चाहिए, उसमें एक ताला लगाया होता है और सील किया होता है। वो कैसे सील हुआ? तो वो सील प्रॉपर्टी नहीं था और मैंने बाहर जाके झंडा लगाया, कुछ इलीगल काम नहीं, ताला वाला सब था, वीडियो रिपोर्टर्स मेरे साथ गया था, बहुत सारा रिपोर्टर्स आज मैं देख रहा हूँ। तो ये एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, वो लोग प्रोपोगंडा चला रहा है और किसी का झंडा लगाने में कोई आरोप नहीं है। मेरा पार्टनर का झंडा है, हम लोग का गोरखा जाति का एक महान लीडर का झंडा है, एक टाइम मैंने उनका झंडा से मुंह पोछ दिया था, ये लोग अभी उसको वायरल कर रहा है, बार बार चला रहा है। तो ये लोग को दिखाने के लिए भी मैंने एक सिम्बॉलिक रूप में झंडा लगा दिया था। और बिमल गुरु जी का झंडा कोई डिस्प्यूटेड झंडा नहीं है, जैश ए मोहम्मद का झंडा तो नहीं है, तालिक ए इकबान का झंडा है क्या? हाईकोर्ट का रूलिंग है कि ये झंडा सही है, इसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि बिमल गुरु अपना तरीका से लड़ सकता है और विनय तामंग भी अपना तरीका से लड़ सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड झंडा, एक पॉलिटिकल नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा, नॉन रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का हमने झंडा लगाया है और मेरे को फॉल्स केसेस में फैब्रिकेट कर दिया। आई एम रेडी टू कोर्ट सरेंडर, मैं कोर्ट के बाहर हूँ, आई एम रेडी टू कोर्ट सरेंडर। हम भागने वाला नहीं है, हमको पकड़ लो, हमको पकड़ लो, हम आया है कोर्ट में, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। तो ये इलीगल चीज़, ये लॉ का विरुद्ध चीज़ ये करना नहीं चाहिए। और आलोकांत चुलुंग बार बार मेरे को टारगेट कर रहा है, मैं एक ट्राइबल आदमी हूँ, आई एम अ ट्राइबल। अगर ट्राइबल का पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं हो सकता है, एक जनजातीय आदमी पॉलिटिक्स में बढ़ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। एक ट्राइबल को धमका के, इतना एट्रोसिटीज करके, हमको अटैक करवा के, ये देर इज अ ब्रीच ऑफ ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट। आई एम ऑल्सो राइटिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब फॉर माई प्रोटेक्शन। और ये जो केस होगा DSP लेवल पे होगा, क्योंकि इधर में भी ट्राइबल एट्रोसिटीज़ का हुआ, एक ट्राइबल को ऐसे करके ह्यूमिलेट किया गया है पब्लिक के सामने, गलत नाराबाजी किया है और अटैक किया है, इट शुड बी डेल स्ट्रिक्टली। और आलोकांत मणि थुलुंग का 30 मार्च का आपको स्पीच याद रहना चाहिए, आपको आपका टीवी ने भी चलाया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि नीरज तामंग को भी मदन तामंग जैसा नतीजा हो सकता है, अगर नीरज तामंग ज़्यादा बोलेगा तो नेक्स्ट मदन तामंग हो सकता है, और FIR में वो भी मेंशन है। तो मैंने देखे वो लोग का FIR में 100 बोल के बिना पत्ता, किसी आदमी ही नहीं है, ये माई इज़ नॉट विंडिक्टिव FIR। मैंने किसी के ऊपर रिस्क झाड़ा नहीं, मैंने जो आदमी गलत किया है सिर्फ उसी का नाम दिया एंड अदर्स नहीं बोला है। तो हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए और मेरे ऊपर हमला कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा जनता है और महाकाल बाबा है, और मैं विचलित भी नहीं हूँ, हिला भी नहीं हूँ, मैं ऐसे मामूली बात से डरता नहीं हूँ। एंड वी आर गोइंग बैक, हम वहीं जाके अब अपना वक्तव्य देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाषण है अभी, मैं वहीं जाके अपना वक्तव्य देके अपना कैंपेन करके लौटूंगा। और आप लोग का इतना बहुसंख्या में समर्थन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैले दुईजनाको नाममा गरेको छु, तर त्यो दुईजना हेर्नुहोस्, दुईजनामा भन्दा बिचरा एकजना त बाइक चलाएर आएको थियो, म बाइक चलाएर आएको मान्छे हो, उसले बाइक चलाउनु बाइक अरू केही पनि गरेन, नारा लाउनु बाइक, तर एट्याक गर्ने चाहिँ रुदेन गुरुङ भन्ने चाहिँ एकदमै मैले पनि आँखाले आइडेन्टिफाई गरेको, अरूले पनि मलाई बताएको, ऊ चाहिँ एकदमै असाइलेन्ट एसाइलेन्ट हो। कहाँनिर भएको तपाईँहरू यो घटना चाहिँ? पहिला चाहिँ ह्याप्पी भ्याली मोडमा भएको, त्यो पछि त्यो अलिकति मान्छेको इन्टरभेन्सनले साम्य भएर अलिकति माथि आउँदा चाहिँ त्यसले फेरि हामीलाई बाइकबाट फलो गरेर एउटा घुम्तीमा रोकेर धन्न मेरो म बसेको गाडीको साइड चाहिँ म अलिक तल भिरपट्टिको हुनाले उनीहरूले गरेन। र यो यहीँको घटना के एउटा कसैलाई केही चोटहरू कसैलाई हुनु भगवान्को आशीर्वादले कृपाले सानोभन्दा सानो खरोज पनि लागेन, एक्सेप्ट माई ड्राइभरलाई त्यो सानो आँखामा त्यो उयो पस्यो भन्दै थियो, तर त्यो पनि केही त्यस्तो मेजर त यो चाहिँ मेन तर एट्याक इन्टेन्सन कन्सपिरेसी एटेम्प्ट टु मर्डर कन्सपिरे यो ठुलो कुरा हो नि। आज उसले त्यो मेरो सपोर्टरहरू गाडीमा नभएकोमा त्यो हतियार गोजीमा हाल्दै थियो, र यो चाहिँ एकदमै म यो अनित थापा आएकोदेखि चाहिँ पाला शान्त भएको छ, र अनित थापालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो प्रशासनले यहाँबाट ब्याक गराउनु पर्छ। हामीले चाहिँ भन्दैछौँ त अनित थापा र पैसा बाँड्दैछ युवकहरूलाई, पुलिसहरूलाई के डिमान्ड गर्नु? पुलिसहरूलाई हामी रिक्वेस्ट छ पुलिसले निष्पक्ष भएर ल एन्ड अर्डर मान्नुपर्छ। पुलिस चाहिँ पुलिस के हो? एउटा ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो, उसले केवल पुलिसको काम गरिदियो, हामीलाई पुलिससँग अब अहिले त केही पनि उयो छैन। पुलिस सुड वर्क एज पुलिस, त्यति नै हाम्रो भनाइ।